Hello everyone, good evening. This is Priyanka and welcome back to my channel Indian Vlogger from Dubai. तो मैं आज आप लोग के साथ अपना एवरी नाइट लाइक आफ्टर डिनर प्रिपरेशन किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले मैं जो भी किचन क्लीन के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है मेरा काउंटर टॉप को खाली करना। लाइक आप शाम से जब आप किचन में होते हो तो काउंटर टॉप पे बहुत सारे सामान होते हैं, तो आप सबसे पहले मैं उसको वहाँ अपने अपनी जगह पे रखती हूँ। लाइक आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे बे लीव्स को जिपलॉक बैग में डाल के रख रही हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने ये मुझे दिया था, उसके घर का है तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में है, तो मैं उसको जिपलॉक बैग में डालकर और फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद जो काउंटर टॉप पे जो भी बर्तन है, लाइक कुछ स्नैक्स थे तो उसको मैं एक टिफ़िन में डालकर अलग रखूँगी। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बर्तन पड़े होते हैं, लाइक श्रेयांस ने बाउल रखा है, वो कुछ खाकर वहाँ पे रखा था, तो वो सारे वो मैं सिंक में डालूँगी। एंड उसके बाद बास्केट में दोपहर के जितने भी बर्तन धुले पड़े हुए थे वो सारे मैं उसको अपनी जगह पे जो भी उसका रिस्पेक्टिव प्लेस है अरेंजमेंट का, उसको मैं वहाँ पे अरेंज करूँगी। एंड ताकि जो बास्केट है वो खाली हो पाए और मैं अभी रात के बर्तन उसमें धोकर और सूखने के लिए रख सकूँ, तो अभी मैं वही कर रही हूँ। किचन क्लीनिंग का जो रात का रूटीन होता है वो मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो डिनर प्रिपरेशन के बाद ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि डिनर के तुरंत बाद ही मुझे किचन में आने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो मेरा काउंटर टॉप यहाँ पे खाली हो चुका है, तो मैं स्कॉच ब्राइट का जो स्क्रबर आता है उसके ऊपर मैं डिशवॉश लिक्विड लेकर पूरे काउंटर टॉप को स्क्रब करूँगी। एंड अपने गैस तो एंड पीछे जो बैक स्प्लैश आता है मैं उसको डेली बेसिस पे भी साफ़ करती हूँ, और डीप क्लीनिंग जो उसकी होती है वो 15 डेज 20 डेज में एक बार होती है, तो ये मैं एवरी नाइट कर लेती हूँ ताकि वो साफ़ दिखे। और उसके बाद मैं एक वेट टॉवल से उसको पूरे काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से वाइप करूँगी। और जो टॉवल आता है, हैंड टॉवल जो आता है, उसका टेक्सचर मुझे काफ़ी पसंद आता है किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए, तो और काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है, अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाता है। अभी इसके बाद मैं काउंटर टॉप को डिसइंफेक्ट करूँगी। इसके लिए मैं हमेशा DIY डिसइंफेक्टेंट यूज़ करती हूँ और किचन वाइप्स का की हेल्प से वो पूरे काउंटर टॉप को डिसइंफेक्ट करूँगी। तो अब आती है बर्तन की बारी। तो बर्तन धोने यहाँ पे आज आपको बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं दिख रहे होंगे डिनर प्रिपरेशन के बाद, क्योंकि दोपहर के बर्तन मैंने धो लिए थे। और यहाँ पे सिर्फ आज मैंने आलू पराठा बनाया है तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है। अभी मैं यहाँ पे किचन सिंक को क्लीन करूँगी। किचन सिंक क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्टील का स्क्रबर एंड डिशवॉश लिक्विड। तो इसके बाद मैं वाटर से इस एरिया को रिंस कर लूँगी, और कभी कभी स्क्रब में भी तो कुछ फूड पार्टिकल रह जाते हैं, उसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। और अभी मैं किचन टॉवल एंड जो किचन वाइप्स है उसको धोऊंगी। तो यहाँ पे दुबई में काफ़ी समर स्टार्ट हो चुके, काफ़ी गर्मी हो चुकी हैं, तो टैप से ऑलरेडी हॉट वाटर आ रहा है, लाइक ल्यूक वार्म वाटर, तो मैं यहाँ पे हॉट वाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए। और मैं हर 2 दिन पे इसको हॉट वाटर एंड वेनेगर के सॉल्यूशन में डिप करके 1 आवर के लिए छोड़ देती हूँ, जो जितने भी किचन टॉवल्स होते हैं वो। और उसके बाद खाना बनाते बनाते फ्लोर काफ़ी गंदा हो जाता है, तो उसको भी स्वीप करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये था मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। एक्चुअली मैं किचन क्लीनिंग का जो काम होता है बेसिक काम, लाइक काउंटर टॉप क्लीन करना या फिर गैस स्टोव क्लीन करना एंड जितने भी बर्तन खाना बनाने के बाद होते हैं वो सब मैं डिनर के पहले ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिनर करने के बाद तुरंत ही किचन में आके और
लाइक पूरा क्लीनिंग वगैरह करने का काम मन नहीं होता है, तो मैं वो चीज़ पहले कर लेती हूँ। अब जैसे हम लोग डिनर करेंगे तो आज तो कम बर्तन थे क्योंकि मैंने आज नाश्ते में सॉरी डिनर में आलू पराठा बनाया है, तो और खाने के बाद भी कम ही होंगे लाइक आलू पराठा एंड मेरी आलू परवल की सब्जी है लंच की, तो वो होगी होगा आज हम लोग का डिनर। तो ये मोस्टली हर दिन का यही हिसाब रहता है। अब क्या है कि किचन के डिनर के बाद मैं दो तीन प्लेट जो होते हैं वो मैं छोड़ भी देती हूँ कभी कभी ओवरनाइट, लाइक पानी से रेंज करके, वाटर से रेंज करके, या फिर जब मैं सुबह के प्रिपरेशन के लिए लाइक टिफ़िन वगैरह निकालने के लिए आती हूँ या शाम को दूध देने के लिए आती हूँ तब मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो डिनर से पहले जब मैं क्लीन कर लेती हूँ तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो होता है ना क्लीन किचन, ये मेरा सेइंग है, आई डोंट नो क्या, क्लीन किचन हैप्पी वुमेन, तो वही हिसाब है। जब क्लीन किचन में आप सुबह सुबह घुसिए ना तो आपको काम करने का नहीं भी मन हो रहा है या फिर कुछ कुकिंग करने का मन नहीं हो रहा है, तो आप का फिर वो इंतू आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ और मैं आपको दिखाती जाती हूँ मेरा क्लीन किचन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।